क्या बारिश हो रही है आज। क्या मज़ेदार मौसम है और what better opportunity for us than this to talk about self-concept। अब आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है तो I have been talking about you know सुपर पावर्स दैट वी हैव। जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया तो उनको पता चला कि उनके पास सुपर पावर्स हैं और वो सुपर पावर वाले काम कर पाए। क्या हमारे पास भी सुपर पावर्स होती हैं? ऑफ कोर्स होती हैं। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई हमें बताए कि हमारे पास ऐसी सुपर पावर्स हैं। सो जब आपके पास ऐसी सुपर पावर्स हैं, ऑल यू नीड टू डू इज़ अवेकन देम। देखिए इस कॉन्सेप्ट को, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट जो मैंने नाम दिया है, इसको थोड़ा सा अभी देख लेते हैं कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1950s के ज़माने में ओलंपिक्स हुए 1952 में, और उसमें एक ब्रिटिश रनर थे जिनका नाम था रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर ने 1952 में 1500 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया और वो उस रेस में मेडल नहीं जीत पाए। वो उस रेस में चौथे नंबर पर आए। उन्हें बहुत दुख हुआ और वो असेस कर रहे थे कि मैं एथलेटिक्स कंटिन्यू भी करूं या नहीं। वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर थे, उनकी रेजिडेंसी शुरू हो गई थी। रॉजर बैनिस्टर, एज सम ऑफ यू माइट नो, वो एक न्यूरोसर्जन भी थे। तो रेजिडेंसी का टाइम डॉक्टर्स के लिए बड़ा हेक्टिक टाइम होता है और ब्रिटिश सिस्टम जो है मेडिसिन का वो काफ़ी कुछ हमारे जैसा ही है। तो रेजिडेंसी में बहुत ज़्यादा उनको बिजी रहते थे, तो उन्हें डिसाइड करना पड़ा कि मैं ये एथलेटिक्स जो है इसको कंटिन्यू भी करूं या नहीं करूं, क्या इसको छोड़ दिया जाए। उन्हें अपने सामने यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैलेंज दिखाई पड़ा, और वो चैलेंज ये था कि ये जो 1500 मीटर की रेस है, इसको माइल भी कहते हैं, हालांकि माइल से कुछ कम होता है, इसको माइल भी कहते हैं, इस रेस को 4 मिनट से कम समय में पूरा किया जाए। ये एक चैलेंज उस समय था और उस समय एक मिथ बन गया था कि ये कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पाएगा, कोई कोशिश भी करेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे, उसका हार्ट बर्स्ट हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो इंसानों का होता है वो इस लोड को ले ही नहीं सकता, कोई इंसान कभी इसको नहीं कर पाएगा, ये मिथक बन चुका था। रॉजर बैनिस्टर इस बात को नहीं माने और उन्होंने ये चैलेंज अब एक्सेप्ट कर लिया, और वो रोज़ अपने मन में ये दौड़ दौड़ा करते थे, मेडिटेट करते थे, कमरे में अपने आप को बंद कर लेते थे, स्टॉप वॉच लेकर बैठ जाते थे और मन में इस रेस को दौड़ा करते थे 4 मिनट के जस्ट अंडर। तो ये 1952 के ओलंपिक्स के बाद रॉजर बैनिस्टर, जो कि कोई मेडल जीत नहीं पाए, इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये 4 मिनट्स में, मैं 4 मिनट्स में ये माइल वाली रेस दौड़ कर दिखाऊँगा। आई विल रन दिस इन लेस देन 4 मिनट्स, जो कि इम्पॉसिबल समझा जाता था उस समय, लेकिन रॉजर बैनिस्टर नहीं माने और वो प्रैक्टिस करने लगे। मन ही मन रोज़ ये दौड़ दौड़ा करते थे 4 मिनट के अंदर, मेडिटेट करते वक्त, और जो भी वो प्रैक्टिस कर पाए, जितनी भी उनसे बन पड़ी अलॉन्ग विद हिज मेडिसिन प्रैक्टिस, वो जहाँ भी प्रैक्टिस कर पाए एथलेटिक्स की ट्रेनिंग जो भी थी वो करते रहे। उस ज़माने के एथलीट्स आजकल के तरह ट्रेनिंग नहीं किया करते थे, उस ज़माने में इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती थी। और रॉजर बैनिस्टर ने तो आजकल के ज़माने के कंपैरिजन में बहुत कम ट्रेनिंग किया, लेकिन जो उनकी मेडिटेटिव प्रैक्टिस थी शायद वो उनको बहुत काम कर गई और वो बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड बना पाए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में, जहाँ वो ये करा उन्होंने पहली बार। वहाँ एक प्लाक भी लगी है और एक उसका मेमोरियल टाइप का बना हुआ है वहाँ पर, आप कभी वहाँ जाएँ तो देख सकते हैं। और इसके बाद 1954 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने फिर से ये करके दिखाया, गोल्ड मेडल भी जीता और ये फिर से करके दिखाया। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा यहाँ, वो ये कि जब रॉजर बैनिस्टर ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो सिर्फ 46 दिन तक
रॉजर बैनिस्टर के नाम ये रिकॉर्ड रहा, और बहुत जल्दी उनके जो कंपेटिटर थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया 46 डेज के बाद। और उसके बाद तो झड़ी लग गई, हर कोई तोड़ने लग गया इस रिकॉर्ड को। और आजकल तो 4 मिनट से कम समय में इंटर कॉलेज इवेंट्स में यह किया जाता है, आप 4 मिनट से कम टाइम में 1500 मीटर दौड़ पाते हैं तब इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट जीत पाएंगे। तो आजकल तो ये हो गया है। तो ऐसा क्या हुआ जो 1954 से पहले असंभव था और उसके बाद आसानी से सब करने लग गए हैं? सिर्फ एक बदलाव आया, और वो बदलाव था माइंडसेट का, दिमाग का बदलाव था। अब लोग ये मानने लगे कि ये करना पॉसिबल है, और जब हम ये मान लेते हैं कि ये करना पॉसिबल है तो वो हनुमान की तरह ही हमारे अंदर भी सुपर पावर्स आ जाती हैं, हम वो अचीव कर पाते हैं। तो अब तो हर कोई अचीव कर लेता है एथलीट 1500 मीटर की रेस 4 मिनट के अंदर। तो क्या ह्यूमन रेस, ह्यूमन स्पीशी जो है, ये इतने से समय में इतना ज़्यादा इवॉल्व कर गए? 46 दिन में तो इवोल्यूशन नहीं होता है। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि माइंडसेट बदले, सोच बदली, और सोच बदलने से बादल गरज गए। सोच बदली और हर कोई इसको कर पाया। यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। तो कहीं यहाँ ये जो हमारी माइथोलॉजी है इसमें इस तरह के बहुत से लेसन्स हैं, हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लेसन्स हैं जिनको देख के, जिनको समझ के हम अगर अपने लाइफ में अप्लाई करें तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ह्यूमन माइंड के बारे में जानकारी मिलती है, और अगर उसको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सा सक्सेस भी हमें मिल सकता है, जस्ट लाइक रॉजर बैनिस्टर। बाय बाय फॉर नाउ, क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक और वीडियो भी करेंगे बहुत जल्द। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना बेहद ज़रूरी है।